Hey everyone, what's up? Thank you so much for joining me today. I hope you are having a great day. If you are new here, then I am Madzi. Today in this video, I will be sharing with you guys a few techniques of my oil painting. So I hope you are guys enjoying this video. ये painting basically राधा और मीरा के ऊपर है. राधा और मीरा भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे. अनफॉर्चुनेटली श्री कृष्ण को रानी रुक्मणी से विवाह करना पड़ा. सो आज मैंने सोचा क्यों ना राधा और मीरा को एक ही कैनवास पर एक ही फ्रेम पे उतारा जाए. सो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कमेंट्स करके मुझे बताना कि कैसा लगा आपको, और मैं आप लोगों से कुछ ऑयल पेंटिंग्स के कुछ टिप्स शेयर करूँगी. तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, और आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं. और हाँ, मेल के थ्रू आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. सो आई स्टार्टेड विद द पेंटिंग on a tone canvas. Like most of the time I used acrylic white gesso. With acrylic once yana paint to completely cover the canvas area. Generally it's not required to gesso your canvas, but this piece I added a layer of gesso for the smooth finishing. While painting any figurative study, I always prefer paint the face, especially the eyes, if establish a connection between me and the painting, which helps me to interact with the painting every second. आप सब जानते ही होंगे राधा और मीरा की कहानी. इन दोनों का प्रेम श्री कृष्ण के साथ बहुत ही यूनिक है. राधा और मीरा दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही प्रेम करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली श्री कृष्ण को रुक्मणी के साथ विवाह करना पड़ा. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन राधा एंड मीरा, बोथ ऑफ हर एक्सट्रीमली लव कृष्ण. फर्स्ट कलर लेयर इज नेवर परफेक्ट, रादर इट्स लुक्स वियर्ड. आफ्टर अप्लाइंग द फर्स्ट लेयर्स आर यू लीव इट फॉर ए फ्यू डेज और ए वीक एंड लेयर ड्राई होने के बाद फिर मैं अपना सेकेंड लेयर कंटिन्यू करती हूँ एंड उसके बाद थर्ड लेयर, और कुछ डिटेलिंग वर्क होगा तो उसको मैं कंटिन्यू करती हूँ. फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर का वीडियो किसी रीज़न की वजह से मैं शूट नहीं कर पाई. सो अगर आने वाले टाइम में अगर मैं कोई फिगरेटिव पेंटिंग बनाती हूँ तो उसका फुल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. तो और इसी के साथ मैं कुछ यहाँ आपसे टिप्स शेयर करूंगी आज, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बनी रहना. इस ऑयल पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले कैनवास को टोन करना बहुत ज़रूरी है. मैं अपने कैनवास को जैसो से करती हूँ. अगर आप लोगों के पास जैसो नहीं है तो आप एक्रेलिक वाइट कलर का भी यूज़ करके कर सकते हैं, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है. कैनवास पे ऑयल पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले आप एक बार स्केच बुक में नॉर्मल स्केच बना के जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आप बनाना चाहते हैं, उसका एक रफली स्केच बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं. उसके बाद ही आपका जो फाइनल इमेज है वो आप कैनवास पे ड्रॉ करिए. गाइस, ऑयल पेंटिंग सूखने में टाइम लगता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, सेक्शन में डिवाइड करके पेंटिंग कर सकते हैं. जैसे मैंने सबसे पहले फेस रेडी किया, उसके बाद हेयर्स, उसके बाद बॉडी, उसके बाद राधा, उसके बाद मीरा. इस तरह से मैंने सेक्शन डिवाइड करके पेंटिंग को कंप्लीट किया. इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ऑयल पेंटिंग को सूखने में बहुत टाइम लगता है, कई दिन, महीना, हफ्ता. तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि ऑयल पेंटिंग को किसी कपड़े से ढक के रख सकते हैं,
जिससे क्या होगा कि उसमें कोई गंदगी नहीं लगेगी। फिर वार्निश से कोट करके आप उसे घर में टांग सकते हैं या फिर उसे सेल कर सकते हैं। इस तरह से आप ऑयल पेंटिंग को अच्छे से कर पाएंगे। का वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।